गुड मॉर्निंग हरे कृष्ण डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस हिंदी की क्लास में ह हल तक के व्यंजन कंप्लीट किए थे, तो आज हम उसके आगे के व्यंजन कंटिन्यू करेंगे। श क्षत्रिय का, श क्षत्रिय का कैसे बनाते हैं सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हमें एक सीधी रेखा बनाएंगे, उस सीधी रेखा से जुड़ती हुई हम एक लाइन बनाएंगे और उसको ऊपर की तरफ ले जाते हुए उसमें गांठ लगाते हुए हम नीचे लाएंगे और पुनः उसमें गांठ लगाते हुए नीचे हल्का सा थोड़ा सा मोड़ के नीचे एक छोटी लाइन बनाएंगे श क्षत्रिय का। फिर से देखेंगे, सबसे पहले एक सीधी रेखा बनाएंगे, फिर उस सीधी रेखा से जुड़ता हुआ हम एक गोले में गांठ लगाते हुए हम उसे घुमावदार करते हुए नीचे लाएंगे, फिर पुनः हम उसमें गांठ लगाएंगे और नीचे हल्की सी छोटी लाइन बनाएंगे श क्षत्रिय का। फिर से देखेंगे श क्षत्रिय का कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा बनाएंगे, उस सीधी रेखा से जुड़ता हुआ हम एक गोला बनाएंगे और उस गोले में गांठ लगाते हुए उसको हल्का सा घुमावदार करते हुए नीचे ले जाएंगे और नीचे की तरफ भी हम छोटी सी गांठ बनाते हुए नीचे एक लाइन बनाएंगे श क्षत्रिय का। त्र त्रिशूल का, त्र त्रिशूल का कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक सीधी रेखा, उस सीधी रेखा से जुड़ती हुई एक लाइन बनाएंगे हम ऊपर की तरफ और पुनः एक और लाइन बनाएंगे जो नीचे की तरफ जाती है त्र त्रिशूल का। फिर से देखेंगे, एक सीधी रेखा, उस सीधी रेखा से जुड़ती हुई हम ऊपर की तरफ एक लाइन बनाएंगे और नीचे की तरफ जाती हुई एक और लाइन बनाएंगे त्र त्रिशूल का। ज्ञानी का कैसे बनाते देखेंगे। ज्ञानी का बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सीधी रेखा बनाएंगे, उस सीधी रेखा के पास हम एक लाइन बनाएंगे बीच में और उस लाइन से जुड़ता हुआ हम एक आधा गोला बनाएंगे और उसमें गांठ लगाते हुए नीचे एक तिरछी लाइन बनाएंगे ज्ञानी का। फिर से देखेंगे, सबसे पहले हम एक सीधी रेखा बनाएंगे, उस सीधी रेखा से जुड़ती हुई हम एक छोटी लाइन बनाएंगे, उस छोटी लाइन से जुड़ता हुआ हम एक आधा गोला बनाएंगे और उसमें गांठ लगाते हुए नीचे एक तिरछी लाइन बनाएंगे ज्ञानी का। सबसे पहले एक सीधी रेखा, फिर सीधी रेखा के पास हम एक छोटी लाइन बनाएंगे, उस छोटी लाइन से जुड़ता हुआ हम एक आधा गोला बनाएंगे और उसमें गांठ लगाते हुए नीचे एक तिरछी लाइन बनाएंगे ज्ञानी का। तो आज